पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में कुछ महीने पहले बाघ ने चार नन्हे शावक को जन्म दिया था, जिसका नामकरण किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने चार नए शावक का नामकरण किया है, जिसमें विक्रम, मगध, केसरी, तीन नर और एक मादा का नाम रानी रखा गया। खुद नीरज कुमार बबलू ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बाघ का नामकरण किया गया है। वहीं बिहार में काफी संख्या में बाघ मिला है। बाघ के संरक्षण को लेकर काफी काम किया जा रहा है। कैमूर में भी बाघ देखने को मिला है। वहीं अब बिहार के बक्सर में भी वीट यार्ड बनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस पर क्या कहा पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने। इस अवसर पर बिहार में के लिए खुशखबरी है कि हमारे जू में पिछले दो महीने में एक बाघिन ने चार बच्चे को जन्म दिया। जो चारों बच्चा अभी तक हमारे पास पूरी तरह अच्छे कंडीशन में है, लाइव है, ये हमारे लिए खुशखबरी है। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नाम भेजा गया है, जिसका नाम है मगध है, केसरी है, विक्रम है और एक रानी है। ये चार नाम दिया गया है। हम लोगों ने आज इसको डिस्प्ले में लाया है, आज से लोगों के लिए हवाले किया गया है। ये बिहार के लिए खुशखबरी है। वैसे पूरे देश में बाघों की अच्छी संख्या है और विश्व का 70% बाघ हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में है। ये हम लोगों के लिए खुशखबरी की बात। सर, इसमें नर कितना है, मादा कितना है? सर, तीन नर है, एक मादा है, जिस मादे का नाम रानी रखा गया, वो तीन नर है। तीन नर है। सर, राज्य में बात की जाए तो कितनी संख्या? राज्य में बाघों की संख्या अच्छी है। पिछले सेंसस जब हुआ था 2018 में हुआ था तो 31 का आंकड़ा है, और चार साल बाद अभी सेंसस चालू है और मुझे लगता है कि इसी साल में इसका काउंटिंग क्लियर हो जाएगा। तो लगभग हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 45 के आसपास संख्या हो चुकी है और अच्छी संख्या है। ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। वीटीआर में ये सारा उसका संरक्षण अच्छे से किया जा रहा है, जिसके वजह से संख्या बढ़ते जा रही है बिहार। कैमूर में भी एक बार बाघ देखा गया था, वहाँ भी टाइगर रिजर्व बनाने का बात चल रहा है, सहमति भी मिल चुकी है और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि वहाँ भी एक टाइगर रिजर्व हो जाएगा, तो वहाँ भी बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी बिहार में। सर, संरक्षण को लेकर के और भी कोई योजना बन रही है? संरक्षण को लेकर के काफ़ी योजनाएं चल रही है, जो बाघ को कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसके अधिवास में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ग्रासलैंड डेवलप किया जा रहा है वीटीआर में, और जो शिकार होता था उस पर काफ़ी प्रतिबंध लगा हुआ है, कहीं कोई शिकार नहीं हो रहा है और पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो चार बच्चे बचे हैं, ये भी एक चमत्कार है, क्योंकि एक जब नई बाघिन बच्चा देती है और चार पांच बच्चा होता है तो बड़ा मुश्किल से एक दो बच पाता है, और यहाँ चार का चार बचा हुआ, ये हमारे लिए उपलब्धि है कि अच्छे से यहाँ मेंटेनेंस अच्छा से हो रहा है। यहाँ के अधिकारी जो है, कर्मचारी, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि चारों बच्चों को बचाने का काम किया, इसके लिए यहाँ के लोग भी धन्यवाद के पात्र।